Hello, my name is Ashish Sharma and in this lecture we are going to discuss the simplified model for the hybrid model. So hybrid model था उसके लिए अपन ने current gain, input impedance, voltage gain, output impedance, total current gain and total voltage gain जो है last lecture के अंदर अपन ने calculate कर लिया था. आप ये जो formula हैं ये अगर याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये याद नहीं रहते तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अब इनको simplify करेंगे और सिंप्लीफाई करने का क्या कॉन्सेप्ट है आप उसको देखते हैं. तो ये देखा जाता है कि जब अपन एच आर और एच नॉट, कौन कौन, एच आर और जो एच नॉट है, इनका इन डेटास पे बहुत ही स्लाइटली इफेक्ट आता है. तो बोला भाई ऐसा क्यों होता है, तो अगर आपको पता हो तो एच आर क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज गेन होता है. क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज गेन, वी वन अपॉन वी टू. क्लियर है. अच्छा अब क्या है कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं. एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को, तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब वी टू जो है बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू वी वन. इसका मतलब वी वन अपॉन वी टू क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा और अपन कह सकते हैं टेंस टू जीरो, मतलब एच आर ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, जीरो होने लग जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है. ठीक. दूसरा था एच नोट. एच नोट क्या है, एडमिटेंस है और ये क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज. तो जो करंट होता है ट्रांजिस्टर में वो मिली एम्पियर में होता है और वापस से आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. इसका मतलब एच नोट भी क्या होने लग जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल, है ना. तो ये दोनों क्या हो गए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गए हैं, ये ध्यान रखना. क्लियर है. ठीक है भैया. तो यहाँ पर अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगाता हूँ तो क्या होगा, एच ओ क्या है, स्मॉल है, तो वन प्लस, प्लस के अंदर है ना, तो वन के कंपेरिजन में ये क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी. तो लगभग कितना आ जाएगा, अप्रोक्स एच एफ के बराबर आ जाएगा. ठीक है. अच्छा इनपुट इम्पिडेंस वापस से देखो, एच ओ है तो ये वन प्लस, तो प्लस के अंदर है तो वन के कंपेरिजन में बहुत छोटा होगा, तो ये टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी. ऊपर देखो एच आर है तो एच आर भी छोटा होता है, तो किसी भी छोटे से नंबर को अगर अपन किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी छोटा हो जाता है. जैसे मान लो अगर मैं 0.001 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आता है, 0.1 आता है. तो देखो इतना बड़ा नंबर इससे मल्टीप्लाई होने के बाद छोटा हो गया. तो ये जो टर्म है ये पूरी टर्म हटाई जा सकती है, तो ये भी ऑलमोस्ट कितना आ जाता है, एच आई आ जाता है. वोल्टेज गेन अप्रोक्सीमेटेड जो रिजल्ट है यहाँ से निकाल लो आप, आर एल एज इट इज. ठीक है. ये कितना आया, एच आई ई आया, और ये कितना था, एच एफ था. ठीक है. अच्छा अब आउटपुट इम्पिडेंस की अपन बात करते हैं, तो आउटपुट इम्पिडेंस में देखो यहाँ पे एच आर ये टर्म नेगलेक्ट कर देंगे अपन. अच्छा अब फिर बचेगा क्या, आर एस प्लस एच आई अपॉन एच नोट इंटू आर एस प्लस एच आई, आर एस प्लस एच आई से आर एस प्लस एच आई. अच्छा अब एच नोट तो बहुत छोटा है लेकिन वन अपॉन एच नोट क्या हो जाएगा, बहुत ही लार्ज हो जाएगा. इसका मतलब यहाँ से अपन क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कोरस्पोंडिंग टू एच नोट क्या है, एडमिटेंस है, इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज होता है. ठीक है. अच्छा अब पावर गेन क्या होती है, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन. तो इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन लगाना है, अप्रोक्सीमेशन लगाना है तो ये इंटू ये क्या हो जाएगा, पावर गेन हो जाएगी. टोटल करंट गेन अपना क्या हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. ठीक है. और ये वैल्यू भी अपन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं. अब इसमें मैंने क्या किया है, ए आई इंटू आर एल का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ करोगे तो ये वन हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा. तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट निकालना चाहता हूँ तो ए वी एस इक्वल्स टू ए वी, ए वी की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज गेन, ये रहा वोल्टेज गेन ये रहा. या फिर एक बार आप इसको ऐसे ही रहने दो, वोल्टेज गेन ही रहने दो. ठीक है. वन प्लस ए वी अपॉन ए आई, इनकी वैल्यू रख लेता हूँ मैं एक बार, ये रहा आपका ए वी और ये रहा आपका ए आई.
यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे तो डिवाइड करोगे तो एच एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेसिकली आर एल अपॉन एच आई ई ए वी अपॉन ए आई था, या एग्जैक्टली कूल, एंड एच एफ से एच एफ कैंसिल हो जाएगा, आर एस अपॉन आर एल एज इट इज, तो ये आर एल से आर एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए वी एच आई ई प्लस आर एस, ठीक है, और एच आई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब एच आई किसके बराबर है, देखो जेड आई के बराबर है, तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, टोटल वोल्टेज गेन को, टोटल वोल्टेज गेन इक्वल्स टू वोल्टेज गेन, एच आई इज नथिंग बट इनपुट इम्पिडेंस एंड जेड आई प्लस आर एस, तो ये जो फॉर्म है ये इसकी जैसी फॉर्म आ गई है ना, लेकिन इसमें क्या है, सोर्स रेजिस्टेंस है और सोर्स रेजिस्टेंस प्लस जेड आई है, यहाँ पे जेड आई ऊपर है और नीचे सोर्स रेजिस्टेंस है ना। तो देखो कई बार क्या होता है कि आपको ये वैल्यू दे देगा, वोल्टेज गेन दे देगा, इनपुट इम्पिडेंस दे देगा, तो फिर आपको ये ऐसी फॉर्म भी जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये होगा। उसके बाद क्या होता है, देखो जो प्रॉब्लम होती है उसमें कॉमन इमीटर कॉन्फिग्रेशन हो सकता है, कॉमन बेस हो सकता है और कॉमन कलेक्टर हो सकता है, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दी जाएंगी। जैसे अगर मान लो कॉमन इमीटर की बात करूँ, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी क्या बताया था आपको, नॉमन क्लेचर समझाया था, दोबारा से बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर कॉमन इमीटर है तो इन सब के साथ ई लग जाएगा, कॉमन बेस है तो जितने भी हैं इनके साथ बी लग जाएगा, कॉमन कलेक्टर है तो सी लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एच एफ ई, ये क्या हो जाएगा एच आई ई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, और अच्छा मैंने ऑलरेडी, अच्छा ये मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया था ना एच आई, एच आई आएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा एच नॉट ई, अच्छा यहाँ पे भी एच आई ई। अभी जैसे जैसे आप इन पे ई लगा रहे हैं, इसका मतलब ये किसके लिए बन गया, ये फॉर्मूला कॉमन इमीटर के लिए बन गए हैं, है ना, कॉमन इमीटर के लिए बन गए हैं, यहाँ पे ई को लगाने की ज़रूरत नहीं है, एच ओ ई एच एफ ई एच आर ई। तो जो दूसरा सबस्क्रिप्ट है वो किसको बताता है, कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, ठीक है, तो ऐसे ही आप इनमें भी लिख सकते हो। अब क्या होता है, कई बार ये हो जाता है कि आपको प्रॉब्लम दी होती है कॉमन बेस की, किसकी प्रॉब्लम दी होती है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, और जो एच पैरामीटर दिए होते हैं वो कॉमन इमीटर के दे देते हैं, क्या गड़बड़ होती है कि जो प्रॉब्लम है वो तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की है, लेकिन जो एच पैरामीटर सवाल में दिए, क्योंकि बिना एच पैरामीटर तो ये मेथड लगेगा ही नहीं, तो एच पैरामीटर जो दिए वो कॉमन इमीटर के दे दिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉमन इमीटर के एच पैरामीटर से कॉमन बेस के एच पैरामीटर लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो ये कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, तो एच आई ई यानी कि इमीटर के लिए, कॉमन इमीटर के लिए, तो एच आई बी कितना हो गया, एच आई ई अपॉन वन प्लस एच एफ ई, तो एच आर ई अगर आपको दिया गया है तो आप मतलब ये दिए गए हैं तो ये कैसे कैलकुलेट करने, एच आर बी की वैल्यू ये हो जाएगी, ऐसे एच एफ ई एच नॉट ई एंड सेम दिस। अब इनको देखो याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जैसे मैंने जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था तब मैंने याद किया था, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वन प्लस एच एफ ई सभी के अंदर है ना, ठीक है, तो देखो एच आई ई है तो एच आई बी क्या है, एच आई बी जो ये है उसको न्यूमरेटर में, वन प्लस एच एफ ई डिनोमीटर में, फेस पे देखो एच एफ ई ऊपर और वन प्लस एच एफ ई नीचे, एच ओ ई है तो एच ओ ई ऊपर क्योंकि अपन एच नॉट बी कैलकुलेट कर रहे हैं, वन प्लस एच एफ ई, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्या कि वन प्लस एच एफ ई तो है लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है तो आपको थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, ठीक है। इसमें देखो कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर के लिए दोनों सेम है ये वैल्यू सेम है। इसके अंदर देखो एच आर क्या होता है, एच आर किसको बताता है, रिवर्स वोल्टेज गेन को बताता है, मतलब वी वन अपॉन वी टू। अब आपको पता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ऑलमोस्ट जो वोल्टेज गेन होता है वो यूनिटी होता है, वन होता है, तो वन का तो इन्वर्स भी वन ही होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो ये क्या होता है, फॉरवर्ड करंट गेन होता है, फॉरवर्ड करंट गेन कॉमन इमीटर में कितना होता है, बीटा, और कॉमन कलेक्टर में कितना होता है, वन प्लस बीटा, तो मतलब वन प्लस एच एफ ई, क्लियर है। अब आपको कहोगे सर ये नेगेटिव का फ़र्क क्यों है, तो आपको पता होगा कि जो कॉमन इमीटर है उसके अंदर जो आउटपुट और इनपुट का फेज होता है वो 180 डिग्री होता है, जबकि कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस के अंदर आउटपुट और इनपुट में कोई फेज नहीं होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है, जीरो होता है, इसीलिए इसका जो है उसका अपोजिट करना पड़ेगा ना आपको, तो यहाँ पे माइनस आ गया,
क्लियर? ठीक है, जैसे देखो इसमें भी माइनस आया, क्यों? क्योंकि इसमें फेज 180 है जबकि इनमें कोई फेज नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ से आपके क्या हो गए, सिंप्लीफाइड जो फॉर्मूले थे वो याद रखने आपको, कि जो करंट गेन है वो एच एफ ही होता है, इनपुट इम्पिडेंस एच आई ई होता है, वोल्टेज गेन एच एफ अपॉन एच आई इंटू आर एल। तो देखो ये फॉर्मूले याद करना आसान है ना, और आउटपुट इम्पिडेंस 1/HOE, तो ये तो आपको एटलीस्ट याद रखने ही रखने हैं, जो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूले वो तो आपको याद रखने ही रखने, क्योंकि इसी से सवाल हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ज़्यादा डिफरेंस है, ऑप्शन में डिफरेंस ज़्यादा है, इसका मतलब कि आप अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? ऑप्शन अगर ज़्यादा नज़दीक है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूले से थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, उस केस में अपने को एग्जैक्ट फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो या तो एग्जैक्ट का फॉर्मूले याद कर लो, या फिर कैसे फॉर्मूले लेकर आए थे अपन, वो प्रोसीजर मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब अपन एक जो है प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो ये मैं मिटा लेता हूँ। तो देखो प्रॉब्लम लिखते हैं अपन, हियर इज दिस प्रॉब्लम।
तो देखो ये अपन एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये आपको प्रॉब्लम दी गई है ट्रांजिस्टर की, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स है और ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 किलो ओम दिया गया है। ये जो है ये 1 किलो ओम है भैया, ठीक है। और ये डेटा आपको दिया गया है और आपसे पूछा क्या क्या आया है कि करंट गेन और वोल्टेज गेन फाइंड आउट करो। क्या करो? करंट गेन और वोल्टेज गेन को आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अच्छा, तो ये जो प्रॉब्लम है ध्यान रखना है, इसके अंदर ये जो इमीटर रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अपन पहले इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, क्योंकि एसी एनालिसिस में अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, है ना। हाँ, तो इक्विवेलेंट सर्किट में कैपेसिटर को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है बाईपास्ड इमीटर रेजिस्टेंस प्रॉब्लम, और जनरली इसी टाइप की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। मतलब जब इमीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। अगर ये कैपेसिटर नहीं लगता है उस केस के अंदर प्रॉब्लम जो है बदल जाती है, और अपन आने वाले लेक्चर में उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो फिलहाल जो अपन पढ़ रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं, बाईपास्ड कैपेसिटर प्रेजेंट होना चाहिए कहाँ पे, इमीटर रेजिस्टेंस पे। तो अपन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं पहले, है ना इसका, है ना। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, मॉडल का सर्किट बनाएंगे, इक्विवेलेंट मॉडल का। तो क्या कहता है इक्विवेलेंट सर्किट का रूल, कि जितने भी डीसी सप्लाई हैं उनको क्या कर दो, रिमूव कर दो, हटा दो, ग्राउंड कर दो, और जो भैया आपके कैपेसिटर हैं उनको शॉर्ट कर दो, यही कहता है। तो चलो करते हैं भैया। तो ये आपका आर एस, ये आपका वी एस, ये आपका आर एस, और ये आर एस भैया कैपेसिटर हो जाएगा शॉर्ट, शॉर्ट होके चला गया यहाँ पे। अच्छा, अब अगर ये शॉर्ट होगा तो देखो शॉर्ट हो गया तो पैरेलल में आ गया। अब रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक शॉर्ट वायर है, सीधा कनेक्ट वायर क्या हो गया है, इसका मतलब क्या होगा कि ये शॉर्ट हो गया, मतलब अरे सारा करंट इधर से ही चला जाएगा, इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। इसका मतलब इमीटर क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है। इसको क्या बोलते हैं, बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं, बाईपास कैपेसिटर। और क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया करंट बाईपास हो गया ना, अंदर से इधर से नहीं गया, इसका कोई मतलब नहीं रहा, मतलब ये शॉर्ट हो गया। इसका रेजिस्टेंस 0, आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू होता है, आर टू 0 हो गया तो मतलब 0, तो इमीटर हो गया शॉर्ट हो गया, ये लो। अच्छा, फिर ये जो है आपका, इसको आप आर बी लिख सकते हो, आर बी लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, अब एक चीज़ को समझो आप, और ये है आर सी, ये दोनों हैं, ये दोनों 8 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई से कनेक्टेड है। तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता था क्या, अलग अलग 8 वोल्ट और 8 वोल्ट लिख सकता था, दोनों सेम पॉइंट पे अलग अलग लिख दिया। अब इन दोनों को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो ये लो भैया, क्लियर है, ठीक है। ये भैया आपका शॉर्ट हो जाएगा और ये आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी नॉट आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, आपका इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, इक्विवेलेंट एसी सर्किट आ गया। अभी अपन इसका जो है मॉडल के लिए भी जो है सर्किट रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब मॉडल के लिए बनाते हैं, तो देखो आर सी आउटपुट भी होता है और आर बी इनपुट भी होता है। अरे ग्राउंडेड पॉइंट है तो मैं आर बी को उठा के यहाँ ऐसे ला सकता हूँ ना, यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे, आर से को इस तरफ से ला सकता हूँ। तो देखो किस तरीके से बनेगा इसका। ये हो गया आपका आर एस, यहाँ कौन आ जाएगा आपका, आर बी आ जाएगा भैया, आर बी, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिस्टर है, ये जो ट्रांजिस्टर है ये किसके इक्विवेलेंट होता है, याद कर लो दोबारा दोबारा ताकि बताना नहीं पड़े। अभी मैंने हालांकि बनाया भी था जस्ट सिर्फ ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर किसके इक्विवेलेंट होता है, एच आई ई, उसके बाद एच आर वी टू, ये करंट सोर्स होता है कितना, एच एफ आई वन,
यहाँ पे कौन होता है, वन अपॉन एच नॉट, ये करंट कौन सा होता है आई टू, ये करंट कौन सा होता है आई वन, है ना, और फिर लास्ट में आप यहाँ पे वी टू यानी कि वी टू कनेक्ट कर देते हो, मेज़र कर लेते हैं आउटपुट, और ये वी वन। यही तो था। अरे ये जो ट्रांजिस्टर ना भैया, ये कलेक्टर, ये बेस, ये मीटर, इतनी सी जो स्ट्रक्चर है ये इसके इक्विवेलेंट है, इतना बड़ा, अलग से बना लो चाहे तो, समझ गए। हाँ आप कनेक्ट करो तो भैया ये आ गया आपका, ये तो शॉर्ट हो गया था ये रहा। तो इस ट्रांजिस्टर की जगह इतनी स्ट्रक्चर बनानी है, तो ये भैया एच आई ई, ये आपका वोल्टेज सोर्स एच आर वी टू, ये आपका एच आई मीटर जो कि ग्राउंड हो गया है, कॉमन है, अच्छा ये क्या है वन अपॉन एच नॉट, लेकिन साथ में कौन इसके आर सी भी तो है देखो ग्राउंड तक, तो ये आर सी ठीक है, और ये जो वोल्टेज है यही तो क्या है, चलो मैं बाहर बना लेता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, ये वोल्टेज क्या है वी टू है, क्लियर है भाई, ये करंट सोर्स है कितना एच एफ आई, अच्छा वन, आई वन करूँ क्या, बताओ कौन सा करंट आएगा, कॉमन इमीटर है तो आई वन मतलब इनपुट करंट, इनपुट करंट कौन होता है बेस करंट, तो ये है भैया बेस करंट, तो ये कौन है बेस करंट, आई टू क्या होता है आउटपुट करंट, तो भैया ये है आउटपुट करंट मतलब कि आई सी, तो बोलो ये आ गया क्या इक्विवेलेंट मॉडल रिप्रेजेंटेशन, बोलो आ गया, क्लियर है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब आपको जो ये पूछा गया है करंट गेन और वोल्टेज गेन, बेसिकली इसके अंदर सर्किट की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अपन आप इजीली जो है ये प्रॉब्लम से चेक कर सकते थे कि हाँ ठीक है, लेकिन आपको देखो यहाँ पे आर एल दिख रहा होगा, तो लोड कौन है यहाँ पे आर सी, लोड कौन है आर सी, आर सी कनेक्टर पे ले रहे ना आर सी लोड है, तो यहाँ पे अगर आपको जितने भी जो फॉर्मूले यूज़ करोगे इसके अंदर पैरामीटर की सबकी वैल्यू दी हुई है, और लोड कौन है आर सी, मतलब आर एल की जगह कितना रखना है आर सी रखना है, तो आप करंट गेन वोल्टेज गेन सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है मैं कर देता हूँ, जैसे देखो करंट गेन पूछा था तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एच एफ ई के बराबर है, तो कितनी आ जाएगी 110, कितनी आ जाएगी 110, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो यहाँ से करो, एच एफ कितना दे रखा है एच एफ ई 110, ये लो 110 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच नॉट कितना है देखो 20 माइक्रो एम्पियर अपॉन वोल्ट, क्योंकि ये क्या होता है एडमिटेंस होता है एम्पियर अपॉन वोल्ट, 20 माइक्रो का मतलब भैया 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर अपॉन वोल्ट को मैं ओम इनवर्स भी लिख सकता हूँ या फिर नीचे ओम लिख लेता हूँ, है ना, हाँ, और अपना आर सी कितना है 4.7 किलो ओम, किलो ओम का मतलब 4.7 × 10³ ओम, तो ओम से ओम कैंसिल, ये 10³ है तो 10³ कितना बच जाएगा -3 बच जाएगा, 4.7 को 20 से मल्टीप्लाई करो ठीक है, तो कितना आएगा 0.194 कितना आ जाएगा 94, लेकिन 10³ भी है तो ये कितना हो जाएगा, ये डेसिमल उठ के 3 डिजिट आ गया है का मतलब 0.094, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर लेना भाई कैलकुलेटर से अगर दिक्कत आ रही है तो, क्योंकि 1 + 0.094 तो कितना आ जाएगा 110 upon 1.094, आप देखो इसका डिवाइड करोगे तो आप ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 110 से थोड़ा सा ही कम आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, तो ये तो हो गया एग्जैक्ट रिजल्ट और ये हो गया अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट, किसके लिए करंट गेन के लिए, ऐसे भैया ये रहा आपका वोल्टेज गेन ठीक है, तो आर एल लोड कौन है आर सी, आर सी कितना है 4.7 किलो ओम, एच आई ई कितना दिया हुआ है 1.6 किलो ओम, तो किलो ओम से किलो ओम कैंसिल हो जाएगा, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और एच एफ कितना है 110,
यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वोल्टेज गेन कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी करंट गेन और वोल्टेज गेन की। अच्छा, अब अगर वो पूछ लेता कि इनपुट इम्पिडेंस बताओ, तो यहाँ पे देखो इनपुट इम्पिडेंस दो हो सकती हैं। पहला, जब मैं आरबी को इंक्लूड करूँ, और दूसरा जब आरबी को इंक्लूड ना करूँ। तो अगर आप इससे आगे की बात करते हो, यहाँ की बात करते हो, तो अगर मैं जेड आई बोल देता हूँ इसको, तो ये जो जेड आई है ये इस फॉर्मूले से आएगा, और ये कितना होगा एच आई ई, कितना होगा एच आई ई, कितना दिया हुआ है 1.6 किलो ओम, कितना आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करा, अप्रोक्सीमेटेड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आर बी को इंक्लूड करके करना है, तो इसका ये पूरा क्या है, अरे ये पूरा इनपुट इम्पिडेंस के बराबर है, तो आर बी के क्या है पैरेलल में है। तो अगर वो आर बी को इंक्लूड करके इनपुट इम्पिडेंस पूछता है, तो मैं उसको जेड आई प्राइम डिनोट कर दूँ, तो क्या जाएगा आर बी पैरेलल जेड आई, और आर बी कितना था अपना, आर बी 4470 किलो ओम, वाह, और जेड इनपुट कितना आया है 1.6 किलो ओम, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको आता ही है 470 प्लस 1.6, तो ये 1.6 से भी कम वैल्यू आएगी, क्योंकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल क्या होता है कि अगर दो रेजिस्टेंस है आर वन और आर टू, अगर आप उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो जो उन दोनों में से छोटा होगा उससे भी छोटा आता है। तो ऑलमोस्ट, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.6 के अराउंड ही आएगा, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही आउटपुट इम्पिडेंस कितना होगा, 1/HO, 1/HO ही, तो 1/20 माइक्रो करोगे तो 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि माइक्रो नीचे -6 होगा 20, तो ये आ जाएगा 50 किलो ओम, ठीक है। और वो कहे कि आर सी को इंक्लूड करके बताना है, तो देखो आर सी के पैरेलल में है, तो आर सी ये रहा, तो अगर इंक्लूड करके बताना है तो क्या करना है आपको, ये जो है इसको जेड नॉट कहते हो, जेड नॉट पैरेलल आर सी कैलकुलेट कर देना, क्लियर है। तो ये हो गया ए सी एनालिसिस का क्वेश्चन, इस पे बेस्ड, हाइब्रिड मॉडल पे बेस्ड। हाइब्रिड मॉडल पे जब भी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये चीज़ें दी जाएंगी, आपको इनकी वैल्यू दी जाएगी, क्लियर है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, और आपको क्वेश्चन जो है करना है, दो क्वेश्चन दे देता हूँ एक्चुअली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो मैं हटा लेता हूँ। तो देखो ये आर एस 1 किलो ओम ही है भैया, ये 1 किलो ओम है, कैपेसिटर है भैया, उसके बाद ये 3 किलो ओम, एंड हियर इज अ बैटरी 6 वोल्ट। अच्छा, ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है, ध्यान रखना, आपको इनसे कंफ्यूज नहीं होना है बैटरी बैटरी से, आपको तो क्लाइंट सर्किट में जब रिड्यूस करोगे, तो बैटरी वगैरह तो सब रिमूव हो जाएंगी, है ना, लेकिन इसमें सवाल में थोड़ा सा अलग है, क्या कि इसमें बेस कॉमन है, कौन है कॉमन, बेस कॉमन है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। ट्वेल्व वोल्ट 2.2 किलो ओम, ठीक है भैया, और यहाँ आपको क्या मेज़र किया गया है, आउटपुट मेज़र किया गया है, तो ये हो गया डायग्राम, ठीक है। अब मैं आपको डेटा और बता देता हूँ, अभी देखो कॉमन बेस है, जबकि इसके अंदर जो वैल्यू दी गई हैं वो कॉमन इमीटर वाले पैरामीटर्स की दी गई हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको टेबल बनाई थी, बनवाई थी ना टेबल एक, तो मैं इनकी वैल्यू तो लिख देता हूँ, एच आई ई जो है 1.6, अच्छा सेम यही वैल्यू है, यही वैल्यू है ना भाई, इन्हीं वैल्यू के लिए करना है आपको, या मैं स्टार लगा देता हूँ। तो देखो ये प्रॉब्लम तो क्या है, कॉमन बेस की है, और एच पैरामीटर किसके दिए गए हैं, कॉमन इमीटर के दिए गए हैं,
तो आपको पता है अगर इसके लिए सोल्व करना है तो आपको इसी के पैरामीटर चाहिए, कॉमन बेस के चाहिए। तो पहले आपको जो कन्वर्जन की जो अपनी टेबल थी उससे आप कन्वर्ट करके किसकी वैल्यू निकालोगे, इनसे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एच आई बी की, एच आर बी की, एच एफ बी की और एच ओ बी की। उसके बाद कुछ नहीं है, आउटपुट इम्पिडेंस 1/HOB हो जाता है, इनपुट इम्पिडेंस कितना हो जाता है, एच आई बी हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप करंट गेन कितना हो जाएगा, एच एफ बी हो जाएगा। तो इजीली जो है आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी, क्लियर है। तो आपको सवाल करना है। एक और जो है प्रॉब्लम वो मैं कम्युनिटी टैब में डाल देता हूँ, वो प्रॉब्लम क्या है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की ही है, उसको भी आपको करना है, ठीक है। और इसके बाद अपन जो है आरई मॉडल डिस्कस करेंगे और कुछ सिंपल जो मॉडल हैं, सिंपल तरीके के जो है सिनालिसिस के क्वेश्चन आ जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्टे सेफ, टेक केयर।